हेलो दोस्तों, और हम लोग नारायणी आश्रम आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रंट गेट का, ये पूरा बहुत बड़ा फ्रंट गेट है। मेरा दोस्त भी साथ में है, तो आइए चलते हैं अंदर और नारायणी आश्रम घूमते हैं। ये हमारी तरफ एक बहुत अच्छी घूमने की जगह है। यहाँ पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, सब हर चीज करने के लिए आते हैं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है, देख सकते हैं। काफी अच्छा अस्पताल है, काफी साफ सफाई रहती है। और यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति लगी हुई है और लोग आते जाते रहते हैं। चुके हैं SMPPS स्कूल, ये इंटरमीडिएट तक का स्कूल है CBSE बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम। अभी तो स्कूल बंद है और हम अंदर इसके जा भी नहीं सकते हैं। बाकी आप सड़क देख रहे हैं और काफी लंबी सड़क है, बहुत अंदर तक है। हम लोग पहुंच गए हैं ये SMPPS स्कूल के बगल वाले सीन में। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे SMPPS स्कूल का पूरा बड़ा सीन है। पीछे पूरी बड़ी बिल्डिंग है उसकी दिख रही है, और ये पानी टंकी है। और हम लोग आगे जा रहे हैं और आपको धीरे धीरे पूरी नारायणी आश्रम घुमाएंगे। बताया जा रहा है कि गंगा जी कैसे निकल रही है गंगा जी की जटा पे, और भागीरथी जी उनके आगे खड़े हुए हैं। और शाम को लाइट जलती है यहाँ पे बहुत अच्छी, और पानी बहता है। और ये बीच में कृष्ण भगवान है, आप देख रहे होंगे। और मैं सुबह आता हूँ यहाँ पे, सुबह यहाँ इसके बैठ के योगा भी करता हूँ। और मेरा दोस्त इस समय योगा कर रहा है, जो कि हम लोग 3 बजे आए दोपहर के। हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बड़ी वाली मंदिर आपको दिखेगी। यहाँ पे काफी हवा भी चल रही है और मौसम भी ठंडा हो गया है, तो हम लोग आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं। काफी जगह बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बहुत शांति रहती है, यहाँ पे बहुत लोग रोज पढ़ने के लिए आते हैं। मैं भी काफी बार आया हूँ पढ़ने के लिए। हम लोग बड़ी वाली मंदिर पहुंच गए हैं, ये शाम को 4 बजे के बाद खुलता है, अभी बंद है। कुछ लेडीज को हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये हमेशा बचपन से हमारे पानी ही भर रही हैं और अभी तक ये पानी नहीं भर पाई। और एक वो बाबा हैं, देखिए वहाँ पे, ये काफी सालों से साधना में विलीन है और अभी तक साधना नहीं कर पाए। और एक लेडीज ये भी हैं, ये भी पानी भर रही बहुत सालों से। क्षीर सागर है और यहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ है, और विष्णु जी आराम कर रहे हैं। यहाँ पे तार लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको पास से जाके दिखाता, और ये काफी अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों, ये दुर्गा मंदिर है, अभी समय बंद है। आप लोग जब भी आइएगा शाम में आइएगा, क्योंकि आप अंदर जा सकते हैं और माता का प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे एक संत रहेंगी, वो आपको प्रसाद देंगी। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं नारायणी आश्रम के एकदम गंगा जी के किनारे, बिल्कुल बस 1 मिनट लगेगा पहुंचने में। और यहाँ पे काफी काम चल रहा है, पुताई का, बिल्डिंग का भी काम हो रहा है, आप देख सकते हैं।
है, यहाँ पे सबसे खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे बहुत मंदिर भी है दुर्गा जी की और एक कृष्ण भगवान की, नारायण जी भगवान का नाम चलता रहता है। इस समय आवाज नहीं आ रही है लेकिन भजन होता रहता है हमेशा। ये हम लोग चढ़े हुए हैं आपको पूरा फुल सीन दिखाने के लिए, जो कि ये गंगा जी हैं, इस समय सूख गई हैं लेकिन उधर पानी बह रहा है, ये यहाँ पे पानी बह रहा है, ये गंगा जी सूख गई हैं। अभी गुंबद पेंट हुआ है, नया लग रहा है बिल्कुल, के अंदर से निकले हैं और प्रसाद लिए हुए हैं। मंदिर के अंदर कैमरा बंद था तो वहाँ की आपको वीडियो नहीं दिखा पाए, तो मैं बता देता हूँ, ये शंकर जी की मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे रुद्राभिषेक होता रहता है, तो सोचे आपको दर्शन करा दें भोले बाबा का। ये आप देख सकते हैं भोले बाबा को, नंदी जी, हर हर महादेव। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया है और वो बात करने में बिजी हो गया है, और ये हमारे साथ आए थे लेकिन जो है बात करने में बिजी हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान उठाए हुए हैं पर्वत को पूरा, और उनके साथ सहयोगी लगे हुए हैं। ये इसकी कथा आपने सुनी ही होगी, ये गोवर्धन पर्वत है, और जब एक बार इंद्र भगवान गुस्सा आ जाते हैं श्री कृष्ण के ऊपर तो वो मथुरा में बारिश करने लगते हैं और श्री कृष्ण भगवान उठा लेते हैं। दोस्तों ये मेरी पहली ब्लॉग थी और यूट्यूब पे, तो अगर आपको पसंद आया हो तो बताइएगा, और अगर कोई सुझाव भी होगा तो उसे भी बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है सुझाव आपका हमारे लिए। और देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद।